एक दूसरा। हाँ जी, इससे पहले भी कभी प्रोग्राम किया? नहीं जी, इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया है कोई प्रोग्राम नहीं किया है। ये तो जरूरत पड़ रही प्रोग्राम की, क्योंकि जब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तब हमें जरूरत पड़ा, और जो लोगों के साथ हमसे जुड़े हैं उन सबसे पता चला कि ये हाल यहाँ का है, तो अगर आज आप हमारी बात नहीं उठाएंगे तो कैसे उठेगी। इसलिए कुछ हमारे पास विकल्प बचा नहीं और फिर हमें यह बनना पड़ा। बट यही है कि अगर हमने अपने गुरु की सेवा के भाव से आगे बढ़े तो सेवा के भाव से अगर तब बढ़े थे तो और आगे बढ़ेंगे, और सब हमारे भाई और सारे लोग हमारे साथ। आप जो उत्तराखंड के बारे में प्रसिद्धियाँ बताई हैं, हाँ जी, लेट आपकी याद आई है? नहीं नहीं जी, लेट नहीं याद आई। देखिए, अच्छा काम करने के लिए कभी देरी नहीं होती। नहीं नहीं, मैं आपको तो और बताता हूँ, आपने शायद मेरी बात को नोटिस नहीं करा। मैं 2018 से यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे मैंने यही जो आज आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ये काफ़ी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद जब करी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आई। जब निकल के आई तो हमारा था कि हमारा, मैं अपना सारे इंट्रोडक्शन दे देंगे, हमारा किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे लोगों ने समाज में और कम्युनिटी में इतने सालों से काम किया है। बट सवाल ये है कि अगर आज की डेट पे हम नहीं आए और अपनी बात ना करें तो आने वाले टाइम में तो वैसे कोई बात नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम ही करें, हमारी बात सुन के जो पार्टियां एस्टैब्लिश्ड हैं वो ही कर लें, करें तो सही, हम ही करते वो कर लें। देखिए, ये सारा काम तो हम कर रहे थे, ठीक है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि अभी क्यों आए, तो ये जो जो काम कर रहे थे और हमने देखा इसमें डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही है, मुश्किलें कहाँ पर आ रही है, तो मुश्किलें आ रही है गवर्नेंस में। जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, जो एक भाई ने भी बोला कि वो तो फ्री बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं और फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री ये। अभी आप देखिए, पहले अपने परिवार में लेके सोचिए, आप आपका परिवार है, आपके दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, आप चाहेंगे कि आप कमाए जाओ और आपके बेटे को बोलो, भाई बेटे तूने ना नौकरी करनी, ना काम करना, ना खेतों में काम करना, और तेरे को मैं बैठे बैठाए तेरे को पैसे देता रहूँगा। ऐसे बाप चाहेगा क्या ऐसे परिवार में? जब ऐसे परिवार में अपने बेटे के लिए नहीं चाहेगा कि ये फोकट का और काम चोर होके निकम्मा होके काम पैसे लेके रहता है, तो आप समाज में क्यों लागू करना चाह रहे हो उसको? इसका मतलब आप खाली वोट लेने के लिए आप लोगों को, आम वोट लोगों को एक सस्ते लोग, सस्ती मानसिकता के लोग मान रहे हो, भिखारी मान रहे हो कि सुनो इधर आओ तेरे को फ्री देंगे, तू वोट मेरे को दे दे। तो ये मानसिकता ना, हम एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, हम सम्माननीय जीवन देना चाहते हैं उनको, हम भिखारी का जीवन नहीं देना चाहते। जैसे सरदार ने बताया, प्रेसिडेंट साहब ने, हम उनको एम्पावरमेंट करेंगे, उनको रोजगार देंगे, ना कि हम उनको रोजगार भत्ता देंगे। ये बेवकूफ़ी की बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेनेजुएला का। वेनेजुएला में बहुत, आज से कोई 20 साल पहले बहुत पेट्रोल होता था, पूरा संसार का सबसे ज़्यादा पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाला था वो, और वहाँ पे कोई काम नहीं करता था, पेट्रोल का जितना पैसा था सारों में बांट देते थे, कोई काम नहीं करता था, सबको आदत पड़ गई निकम्मे होने की, काम चोर होने की। पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, काम करने की उनको आदत नहीं है। आज की डेट में भूखों मर रहा वो वेनेजुएला की, जितनी मतलब जिस हालत में वो जी रहे हैं लोग, भिखारियों से भी बदतर। उनकी लड़कियां जो ऐसे से गंदे धंधे कर रही हैं पैसा कमाने के लिए, एक जो जिसको हम अपनी करेंसी में डालें, मतलब उनका एक किलो आटा जो है उनका हज़ारों रुपये में आटा आ रहा है, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्यों? ना काम करने की आदत थी, ना काम चोर है। तो ये जो ये लगा हुआ ना, एक मुहिम चली हुई है, हम फ्री बिजली दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, रोजगार बता देंगे, हमको वोट दे दो। वोट दे के आप हमको क्या करना चाहते हो? कामचोर बनाना चाहते हो उनको? हम सक्षम बनाना चाहते हैं, हम उनको स्मार्ट स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं, ना कि कमजोर और निकम्मे विलेज। हाँ जी, हम जाएंगे बिल्कुल, तो इसीलिए। हाँ जी, देखिए, समाज के लिए काम करेंगे, जहाँ जहाँ समाज है वो हमसे जुड़ेगा, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सारी सीटों पर जाएंगे हम, सारे अभी हम लोग करेंगे। जिस तरीके से आज हम यहाँ बैठे और आज हमने बात करी है, क्योंकि बड़ा जरूरी था, हम कौन है, हम क्यों आए, हम क्या करना चाहते नहीं करना चाहते, इसके बाद हम एक पूरा अपना आइटनी प्लान करेंगे। हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक अपनी सारे लोगों की एक जनसभा करेंगे, वहाँ पे इनवाइट करेंगे लोकल लोगों को कि आप आए हमारे से मिलें, आप ही बताएं कि क्या मसला है क्या नहीं है, और आप ही बताएं कि इसका क्या हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर आपको हेल्थ केयर का कोई इशू निकालना है तो वो डॉक्टर बता सकता है या पेशेंट बता सकता है, इंजीनियर नहीं बता सकता कि हेल्थ केयर में क्या होगा। तो इसी तरीके से उस समाज के जो स्तंभ हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जुडिशरी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी मैन है, ये बताएंगे ना कि हमें अपने समाज में क्या करना है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी उन्होंने बता दी, और कौन बताएगा उनको। तो ये जब हम करेंगे ऐसे
जनसभा सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ के क्या ऐसे लोकल इशू हैं क्या नहीं है वो उनके साथ संबोधित करेंगे, वो हमें बताएंगे, हम उसमें से उनके लिए और क्या कर सकते हैं वो करेंगे, और फिर जब हमारी ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स की जनसभा कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे।